अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये 16 अप्रैल का व्लॉग है, 24th रोज़े का। आज 24वां रोज़ा था। और ना ये कल ना शॉपिंग के लिए हम गए थे, तो शॉपिंग ना अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ना कंप्लीट हो गई है। मतलब ड्रेसेस वगैरह जो लेनी थी हमने ना, वो आउटफिट्स की ना शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो चीज़ें लेनी है ना, वो हम थोड़े दिन बाद लेंगे, दो चार दिन बाद जाएंगे हम, जब ना शबे कदर हो जाएगी, तो उसके बाद हम जाएंगे बाकी की शॉपिंग के लिए। फ़िलहाल जो हमने आउटफिट्स ली हैं हमारी पूरी फैमिली ने, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ड्रेस, ये जो आउटफिट है ना, ये भाई की है। उन्होंने ना अपने लिए ये परचेज़ की है। तो ये है शर्ट है और शर्ट पैंट है। तो इस बार ना उन्होंने कुर्ता नहीं लिया, बस ये वाला ना शर्ट लिया है। ये देखें, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, ए के गॉर्जियस, हाँ ये लिखा हुआ था, शायद ब्रांड नेम था ये। तो इस तरह की ना शर्ट है और ना इसकी ये पैंट है, क्योंकि लड़कों का तो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इसलिए ना बस मैं आपको बताती जा रही हूँ। इनमें ना फैब्रिक्स वगैरह कौन से होते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो इसलिए। और खैर, मर्दों की जो पसंद होती है ना, वो उनकी ही होती है, तो जेंट्स के कपड़े बिल्कुल भी समझ नहीं आते। और ये ना अब्बू के हैं, तो अब्बू कह रहे थे कि वो सिलवाने ना ये डाल देंगे, लेकिन फिर वो कह रहे थे कि फिर बाद में ना ईद के ये सिलवा लेंगे, क्योंकि उनके पास ना शर्ट्स वगैरह न्यू रखी हुई है, तो वो पहन लेंगे वो कह रहे थे। तो देखते हैं क्या करते हैं अब्बू। तो ये उनका ना अब्बू स्टिच करवा कर ही पहनते हैं, अब्बू रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं लेते। हाँ भाई ना, हाँ मीलाद नबी को भाई ने स्टिच करवाया था, लेकिन वो ना रेडीमेड ही लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ अपना ड्रेस। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने इसे ना अनबॉक्स कर लिया है, तो देखिए किस तरह का है, लग रहा है क्या है। मैं ना आगे चलते चलते इसे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो ड्रेस ना मैंने निकाल लिया है, अनबॉक्स कर लिया है, तो अभी ना मैं इसे खोल कर ना सारा बताऊँगी आपको। अगर मुझे ना ईद पर पहनना होता, हमारे घर पे ना ईद पर पहनते कपड़े, तो फिर मैं आपको ईद के दिन ही सरप्राइज़ करके बताती, लेकिन हमारे घर पे ना जो ईद को लेते हैं वो नहीं पहने जाते, क्योंकि इतने हैवी कपड़े ना घर पे पहने नहीं जाते, इसलिए ना सिस्टर पहनती है, ना मैं पहनती हूँ, ना अम्मी पहनती है। तो हम बस लेते हैं, रख लेते हैं, जो न्यू वाले कपड़े होते हैं ना वो हम ईद के लिए निकाल लेते हैं, जो एक बार भी नहीं पहने होते इस तरह के। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना इसे इस तरह से ना खोल लिया है। तो यहाँ पे ना ये मैं स्लीव्स देख रही थी कि कहाँ हैं, तो स्लीव्स ना यहाँ पर लगे हुए थे, क्योंकि ये स्लीवलेस है, इसे स्लीव्स लगवाने हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इससे ना जॉर्जेट के फुल स्लीव्स लगाऊं, क्योंकि मुझे हाफ स्लीव्स ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए। और स्लीवलेस तो खैर पहना नहीं जाता, क्योंकि ना आज तक हमने हमारे और जितने भी हैं ना वहाँ पर कोई भी स्लीवलेस नहीं पहनता हमारे यहाँ पर। हाँ बहुत जगह पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ना कोई भी नहीं पहनता, इसलिए। और मुझे भी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं स्लीवलेस, हाफ स्लीव्स ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। तो ये ना ऊपर जो बॉडी है ना, उसके ऊपर मिरर वर्क और हैवी वर्क किया गया है, स्टोन के साथ, धागे के काम के साथ। और ये नीचे ना कलियाँ हैं। और ये फ्रॉक नहीं, ये कुर्ती है, ये नायरा कट कुर्ती है, जो ट्रेंड पे है, काफ़ी ट्रेंड पे चल रही है नायरा कट कुर्ती। तो मैंने भी ना वही लिया है, क्योंकि जब मैं शॉप पे गई, तो मुझे जहाँ पर मैं फ़र्स्ट गई ना नूरी पे, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए ना फिर मैं जूरी पे गई, जहाँ पर ना अब्बू के फ्रेंड, अब्बू के दोस्त ने ना जो शॉप ओपन की है, तो वहाँ पर फिर मैं गई, तो वहाँ पर ना फिर मुझे अच्छे कपड़े नज़र आए, तो फिर मैंने ना ये ले लिया जो मुझे पसंद आई वैरायटी। तो नई वैरायटी यही थी, तो मैंने ना यही परचेज़ कर लिया। तो ये मिरर वर्क, धागे वर्क में स्टोन लगे हुए हैं, तो इस तरह का ना ये सारा इस पे वर्क है, बॉर्डर पे नीचे ना वर्क है, और फ्रिल लगी हुई है नीचे। ये दोनों साइड ना इस तरह के लटकन लगे हुए हैं, जो बहुत अच्छा लुक कर रहे हैं। और ये कुर्ती है, इसलिए इस तरह से ऊपर तक ना साइड स्लिटेड है। और ये कुर्ती है, ये फ्रॉक नहीं है, लग रहा है फ्रॉक लेकिन ये कुर्ती है। और ये नायरा कट कुर्ती है, इसी तरह की ना लॉन्ग होती है, और इसके साइड चॉक्स ना बहुत ऊपर होते हैं, तो अंदर से जो प्लाजो पहनते हैं ना वो नज़र आता है, प्लाजो पहनते हैं या फिर ना स्ट्रेट पैंट पहनते हैं, जो स्ट्रेट पैंट आती है ना वो।
तो उस तरह के ना इस पर पहने जाते हैं। लेकिन मुझे इसके साथ ना सर्कुलर प्लाजो आया है प्लेन वाला, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो बैक पे ना नीचे नहीं दिया गया वर्क, बस ना यही जो लंबान में जो वर्टिकली डिज़ाइन है वही दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर ना बहुत अच्छा है। और ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, प्लाजो भी और कुर्ती भी जॉर्जेट फैब्रिक में है। और ये ना सी ग्रीन कलर में या फिर स्काई ब्लू, हाँ स्काई ब्लू कलर है ये। तो इस तरह का सिंपल ये सर्कुलर प्लाजो है इसके साथ बॉटम। और ये इसकी दुपट्टा है, ये देखें यही कलर की ना ये दुपट्टा है। और फोर साइडेड इसकी लेस लगी हुई है, सिल्वर लेस लगी है। और ये नेट ना मुझे ये वाले नेट से बिल्कुल ही नफरत है। तो ये ओवरऑल ना मेरा ईद का ड्रेस है जो मैंने परचेज़ किया है। और ये दो मैं जोड़े बता रही थी आपको, ये सिस्टर का है ब्लू कलर का, और वो जो ये ना ये अम्मी का है पर्पल कलर का। और बहुत अच्छा है, ये डिजिटल वर्क में है, डिजिटल प्रिंट नहीं है, डिजिटल वर्क है। तो ये देखें सीक्वेंस और धागे के काम में ना ये है। और इसके ऊपर ना स्टोन लगे हुए हैं जो बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें एकदम से ना चमक रहा है। और ये नीचे ना धागे के वर्क में ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो बहुत अच्छा लुक कर रही है। और ये ना देखती है अम्मी ने बस उठा लिया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, इसकी दुपट्टा ना सूट से ज़्यादा बहुत अच्छी है। मैंने ना ओढ़ कर भी देखा है, बिल्कुल ब्राइडल लुक दे रही है। तो वो उसका बॉटम है, ये सूट है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये दुपट्टा है, बहुत हैवी दुपट्टा है। और कोई ना ब्राइड अपने जहेज में जहेज के जोड़े में ना अगर ये वाला सूट डाल लें तो फिर बहुत अच्छा वो पहन सकती है। अगर न्यूली ब्राइड है तो वहाँ पहन सकती है, या फिर छोटे मोटे फंक्शन में ना वो पहन सकती है, बहुत अच्छा लुक कर रहा है। और उसी डिज़ाइन में ना थोड़ा सा अलग है, ये ज़िगज़ैग बने हुए लाइन सेमी के ना थोड़े अलग बने हुए हैं, तो उसी तरह का है। और ये सी ग्रीन कलर में है। ये नीचे एम्ब्रॉयडरी ना वर्क चेंज किया हुआ है, लेकिन ना वही वाला वर्क है। तो इसकी भी ना दुपट्टा ब्राइडल है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी दुपट्टा है। दोनों की ओवरऑल दुपट्टा बहुत अच्छी है। और कल मेरी फ्रेंड दावत पे आई थी ना, तो मैंने ये वाला सूट पहना था, जॉर्जेट का है, येलो और कॉन्ट्रास्ट इसकी दुपट्टा और शलवार है। लेकिन मुझे इसमें बहुत इरिटेशन हो रही थी, फिर ना मैंने वो निकाल कर ये वाला गरारा पहन लिया। ये सिस्टर का है, कभी ना मैं आपको बताऊँगी ये कैसा है। वो नहीं पहनना चाहती थी इसलिए ना मैंने इसे ले लिया है, क्योंकि समर में ना मैं इसी तरह के पहन रही हूँ जो ना सुकून दे, इरिटेट ना करें गर्मियों के दिनों में, इसलिए मैं समर के कपड़े पहन रही हूँ। और ये रात का टाइम है, तो शाम के टाइम पे ना रोज़दारों को ना खाना खिलाया जाता है, मतलब जो अबू के दोस्त है ना वो तो घर को भिजवा देते हैं खाना, तो वो वहाँ से ही आया हुआ था। तो आज हमने बिल्कुल भी खाना ना नहीं बनाया था। तो ये तहरी थी, मटन तहरी, तो बहुत मज़ेदार थी, मुझे तो बहुत पसंद आई और सबको बहुत पसंद आई। तो घर पर ना उन्होंने जल्दी ही इफ्तार के बाद भिजवा दिया था, और उसके बाद खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे कुछ ना देखने के लिए, इसलिए तो ना वही हम देख रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।